खरगोन जिले के थाना मंडलेश्वर अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें प्रताप पिता राम सिंह ठाकुर को धारा 420 406 पर 43,96,000 रुपए का फर्जी स्टाम्प पेपर देने पर मामला दर्ज हुआ था, जिससे 22 माह तक प्रताप ठाकुर को मंडलेश्वर जेल रहना पड़ा। अब प्रताप सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे 22 महीने बिना गुनाह के जेल काटना पड़ा। प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि मैंने सूचना के आधार पर दिनांक 11/12/2019 को जिला कोषालय इंदौर में आवेदन दिया था, जिसका जवाब 17/12/2019 को मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें जानकारी में बताया गया कि नॉन ज्यूडिशियल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर राशि श्रीमती आभा काला स्टाम्प वेंडर को दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि सामने वाले ने मुझ पर जो आरोप थाना मंडलेश्वर पर लगाया कि मैंने 25 फरवरी 2015 को एग्रीमेंट दिया, जबकि स्टाम्प पेपर उस दिन को जिला कोषालय इंदौर में ही नहीं आया था। मुझ पर बिना जांच किए ही झूठी FIR दर्ज कर मुझे 22 महीने जेल काटना पड़ी। पुलिस विभाग द्वारा जांच नहीं की गई। मंडलेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रताप ठाकुर। क्या समस्या आ रही है आपको? मुझे पुलिस ने 22 महीने झूठी FIR दर्ज करके जेल में रखा। कौन से थाने पर? मंडलेश्वर थाने। क्या झूठी FIR करी थी आपके खिलाफ? एक व्यक्ति ने फर्जी स्टाम्प ला के बता दिया कि ये स्टाम्प मेरे को फर्जी प्रताप ने ला के दिया, ये वाला स्टाम्प जी, जिस पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, छपा भी नहीं आता, और कहा कि प्रताप ने लाया है, जिस पे ये प्रताप हस्ते लिखा हुआ है ना, प्रताप हस्ते प्रताप ठाकुर लाया हुआ है। कब हुई थी आपकी FIR? 27/5/2019 को। क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जेल में अंदर कर दिया और 60 दिन में उनको चालान में जाँच करना थी कि स्टाम्प किस दिनांक को खरीदा गया, कौन खरीद के लाया, पर ये दोनों जांचें नहीं करी ना स्टाम्प। कितने महीने जेल रहना पड़ा आपको? 22 महीने जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मैं सूचना के अधिकार से आवेदन दिया जिला कोषालय स्टाम्प कलेक्टर में कि ये स्टाम्प कौन से तारीख को बिका है, कौन से दिनांक को बिका है, तो उसमें ये आया है कि ये स्टाम्प तो उस दिनांक को बिका ही नहीं, 25 फरवरी 2015 को बताया था ये स्टाम्प पे सिल टप्पा है, 25 फरवरी 2015 को स्टाम्प बताया उसने थाने पर बयान दी है आशीष गोयल ने, और जबकि यहाँ पे ये स्टाम्प सूचना के नियम से लाए जिला कोषालय से ही निकाल के, इसमें ये स्टाम्प 31 मार्च 2015 को स्टाम्प कलेक्टर ने आभा काला स्टाम्प वेंडर को दिया था, ये 31/3/2015 को। मतलब कि जो स्टाम्प पर आपके खिलाफ FIR हुई है वो स्टाम्प उस दिनांक को था ही नहीं? हाँ, 25 फरवरी 2015 को स्टाम्प था ही नहीं उसके पास। तो आप जिला मुख्यालय और जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं इनके जो जो लोग इसमें संलग्न है ना, जो जो जिन जिनों ने मिली भगत से झूठी FIR दर्ज कराई है मेरी, उन सबको मैं आरोपी बनाना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।